दोस्तों, हिमालय की गोद में भस्म लपेटकर तपस्या करने वाले और मोह माया से कोसों दूर रहने वाले नागा साधुओं के बारे में दुनिया भर के लोग जानते हैं, लेकिन जब भी नागा साधु दिखाई देते हैं तो एक सवाल मन में आ ही जाता है कि क्या सिर्फ पुरुष ही नागा साधु बन सकते हैं? महिला नागा साधु कौन होती है और होती भी है कि नहीं? ये उत्सुकता लोगों के मन में जरूर होती है। ऐसे में आज हम महिला नागा साधु के कुछ रहस्यमयी बातें आपको बताने वाले हैं, जिन्हें सुनकर आप काफी हैरान हो जाएंगे। जैसे कि क्या महिला साधु क्या मेल नागा साधु की तरह ही बिना कपड़ों के ही रहती हैं? और वो नागा साधु बनने के लिए अपने जिस्म का कौन कौन सा हिस्सा त्याग करती हैं? जानेंगे ऐसे ही कुछ और भी रोचक बातें, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। महिला नागा साधुओं के बारे में जानने से पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि आखिर नागा साधु होते कौन है। तो आपको बता दें कि आदि गुरु शंकराचार्य की ओर से स्थापित किए गए विभिन्न अखाड़ों में रहने वाले ऐसे साधु जो नग्न रहते हैं और शरीर पर धुनी की राख लपेड़ कर रखते हैं, युद्ध कला में बर्नुपूर्ण होते हैं और नागा साधु कहलाते हैं। नागा साधु एक तरह से सैन्य पंत हैं, यानी युद्ध करने वाला, और वे एक सैन्य रेजिमेंट की तरह ही पटके रहते हैं। अपने पास वो त्रिशूल, तलवार, शंख और चीलम से इन दर्जे को भी दर्शाते हैं। वैसे इनके बारे में खास बातें यह है कि बस कुंभ के मेले में या आपको दिखाई देंगे, बाकी इनका सार्वजनिक जीवन से कोई लेना देना नहीं है। अब सवाल आता है कि महिला साधु कौन होती हैं? असल में साधुओं में वैष्णव, सेव, उदासीन तीनों ही समुदाय के नागा अखाड़ा को बनाते हैं। नागा में बहुत से वस्त्रधारी और दिगंबर यानी कि निर्वस्त्र होते हैं। इसी तरह महिलाएं भी जब संन्यास में प्रतीक्षा लेती हैं तो उन्हें भी नागा बनाया जाता है। आपको बता दें कि भक्ति और त्याग के प्रति ये महिला साधुई पूरा दिन साधना करती है। इन्हें सुबह सवेरे उठना पड़ता है, इसके बाद ये नित्य कर्मों के बाद शिव जी की घोर जाप करती हैं। दोपहर के भोजन करने के बाद ये नागा साधु फिर से शिव जी की साधना में लग जाती हैं। आपको मालूम ही होगा कि नागाओं के इष्ट देवता भगवान शंकर होते हैं, इसलिए इनका जीवन भी बिल्कुल भगवान शिव की तरह होता है। ये लोग हमेशा नशे में धुत रहते हैं और ये चौतरफा अग्नि के सामने बैठकर साधना करती हैं। गर्मियों के दोपहर हो या पूस की रात, नागाओं का जीवन एक जैसा ही रहता है। आपने जब जान ही लिया कि इनका जीवन कितना कठोर होता है, तो ये भी जान लीजिए कि नागा साधु बनने के लिए महिलाएं क्या क्या करती हैं। नागा साधु बनने के लिए महिलाओं को अपने शरीर में भी कई तरह के बदलाव करने पड़ते हैं। पुरुष नागाओं की तरह इन्हें भी मुंडन कराना पड़ता है, जिसके अलावा उन्हें अपने गुरु को विश्वास दिलाना पड़ता है कि वो अपने परिवार से दूर हो चुकी हैं और अब किसी भी बात का मोह नहीं रखती हैं। आपको बता दें कि नागाओं की दुनिया में किसी तरह के मोह माया की इजाजत नहीं होती है। ये खुद को भगवान के चरणों में समर्पित कर चुकी हैं। कई वर्षों के कठिन परीक्षा और त्याग के बाद भी सिर्फ कुछ महिला ही नागा साधु बन पाती हैं। महिला साधु बनने के लिए ऐसे चरण से गुजरना पड़ता है जिसके बारे में आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। इन्हें सबसे पहले भौतिक सुख सुविधाओं को त्याग करके खुद का जीते जी पिंडदान करना पड़ता है। इसके बाद ये साध्वी मुंडन करवा कर खुद का तर्पण करती हैं। एक आम महिला की तरह घर गृहस्थी जीवन से बिल्कुल निकल कर खुद को पिंडदान करके ये साध्वी खुद को इस संसार के लिए मृत बना देती है। फिर उसके बाद शुरू होता है उनका नया और कठिन जीवन, जहां एक और ये सभी सुख सुविधाओं से दूर हो जाती है, वही दूसरी और नए जीवन में इनका मात्र काम होता है कि भक्ति और साधना। जब ये नागा साध्वी 10 साल तक ब्रह्मचार्य का पालन करती है, तब इन्हें सांसारिक मुमाया से दूर रखा जाता है। इससे इनकी संपूर्ण भावनाओं का विकास होता है, साथ ही इन्हें नागाओं का रहन सहन, चरण देवताओं का भी पता चलता है। अगर कोई साध्वी इन सारी परिस्थितियों में डटी रहती है, तो इसके बाद का निर्णय लिया जाता है कि किसी महिला को नागा साधु बनाया जा सकता है या नहीं। दरअसल महिला नागा साधुओं का जीवन पुरुष नागा साधुओं के जीवन से बहुत कठिन होता है। ऐसे में कई बार ये बीच में से ही इस साधना को छोड़ देती हैं। बता दें कि किसी भी महिला को नागा साधु बनने के लिए अलग अलग साधना करनी पड़ती है, जिन्हें 10 साल तक लगातार पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। इन सालों में इन साधुओं के अपनी भक्ति और संपूर्ण के भाव को अपने गुरु के सामने साबित करना पड़ता है। इस संपूर्ण के बाद ही इन्हें दीक्षा और परीक्षा के लिए भेजा जाता है। महिला नागा साधु की दीक्षा भी आसान नहीं होती है, इन्हें गौर त्याग और बलिदान का साहस दिखाना पड़ता है।
इसके बाद शुरू होता है इनकी कठिन परीक्षाओं का दौर, जिनसे गुजरने के बाद इस निर्णय महिला की गुरु करती है कि इन्हें दीक्षा कब दी जाए। इसके बाद ही आगे के सारे काम किए जाते हैं, जिसमें इन्हें महिला नागा साधुओं के नियम और परंपराओं के बारे में बताई जाती है। वैसे महिला और पुरुष नागा साधुओं में केवल एक ही अंतर है कि महिला नागा साधु को खुद को पीले रंग कपड़ों से ढकना पड़ता है, जबकि वो चाहे तो उस कपड़ों का इस्तेमाल नहीं भी कर सकती है। लेकिन इन्हें कुंभ में नग्न स्नान करने की अनुमति नहीं है, इसीलिए इन्हें स्नान के वक्त भी पीले रंग के कपड़े का उपयोग करना पड़ता है। पीला वस्त्र ही इनकी पहचान होती है। जानकारी के लिए बता दें कि किसी भी महिला को साध्वी बनने से पहले किसी अखाड़े के महिला साध्वी से दीक्षा लेना पड़ता है। अखाड़ों की आचार्य के महंडेश्वर इन्हें दीक्षा देती है। वही अगर बात करें इनके लाइफ स्टाइल के बारे में, तो महिला नागा साधु माथे पर तिलक और सिर पर एक चोला धारण करती है। आमतौर पर यह भगवा पीला या सफेद होता है। इनका रूप इस रंग में और भी भक्त में नजर आता है। कुंभ में नागा साधुओं के साथ महिला साधु भी शाही स्नान करती है। इसके लिए कुंभ में शाही स्नान का अलग व्यवस्था किया जाता है। ये महिला साधु कुंभ में आए हुए विदेशियों के लिए आस्था का एक स्तंभ होती है। इनके दिनचर्या और त्याग के ऊपर विदेशियों ने कई डॉक्यूमेंट्री बनाई है। दरअसल नागा साधुओं के सुपर नेचुरल पावर और -20 डिग्री तापमान हिमालय के पहाड़ों पर बिना कपड़ों के रहने वाले इन साधुओं के बारे में जानकर लोग हैरान रह जाते हैं। तो दोस्तों, ये था महिला नागा साधुओं का कठिन जीवन के कई पहलू, जो इस वीडियो में हम आपके सामने रखी है। फिर हाजिर होंगे ऐसी ही एक अनोखी वीडियो के साथ, अनोखी बातों के साथ। तो दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें। तो दोस्तों, अगर आप लोग हमारे इस YouTube चैनल पर नए आए हो तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और दोस्तों यह वीडियो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। फिर मिलते हैं एक नए फैक्ट के साथ, तब तक के लिए जय।